दोस्तों आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में आखिर क्यों नहीं बिके ये पांच बड़े खिलाड़ी आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। और आपके हिसाब से दोस्तों कौन से खिलाड़ी का अनसोल्ड होना आपके लिए सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल 2022 का एक बहुत ही शानदार मेगा ऑक्शन हमने जो है वो देखा है, जहां पर दो दिनों तक ये मेगा ऑक्शन चलता हुआ नजर आया और काफी सारे खिलाड़ी इस मेगा ऑक्शन में हमें बिकते हुए नजर आए। इस साल दोस्तों यहां पर टीमों के पास पर्स मनी भी ज्यादा थी, 10 टीमें टोटल नजर आई थी और ऐसे में ऐसा लग रहा था कि ज्यादातर जो प्लेयर हैं वो हमें अनसोल्ड होते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन पांच सरप्राइजिंग नाम सामने निकल कर आए जो कि इस मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड गए हैं, जिनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा जो नाम है वो है सुरेश रैना का। जी हां दोस्तों, मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना आईपीएल 2022 में हमें खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस के साथ आए थे और किसी भी टीम ने इनके ऊपर बोली जो है वो नहीं लगाई। सरप्राइज दोस्तों तब हुआ जब चेन्नई सुपर किंग की टीम ने भी इन्हें इग्नोर किया और ये हमें अनसोल्ड होते हुए नजर आए। रीजन की दोस्तों बात करें तो हाल ही में ये हमें क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आए हैं, पिछले 2-3 साल इनके उतने अच्छे गए भी नहीं आईपीएल के, और यही बड़ा रीजन था कि किसी भी टीम ने इनके ऊपर बोली जो है वो नहीं लगाई। बात करें दोस्तों दूसरे नाम की, तो दूसरा नाम है यहां पर क्रिस लिन का। पिछले साल मुंबई इंडियंस के खेमे का हिस्सा थे, एक मैच इन्हें खेलने का मौका मिला था, शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने उस मैच में किया था, इसके बावजूद इन्हें यहां पर किसी भी टीम ने मेगा ऑक्शन में जो है वो बाय नहीं किया है। तीसरा जो बड़ा नाम है वो है दोस्तों स्टीव स्मिथ का। एक समय आरआर के ये कैप्टन हुआ करते थे, 12.5 करोड़ रुपए इनकी प्राइस हुआ करती थी, लेकिन इस साल इन्हें यहां पर किसी भी टीम ने इनके बेस प्राइस पर भी जो है वो बाय नहीं किया। तो एक और सरप्राइजिंग नाम था स्टीव स्मिथ का जब ये अनसोल्ड हुए। इसके अलावा दोस्तों अगले नाम की बात करें, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में, जहां पर आप क्रिकेट, फुटबॉल और 160+ गेम खेलकर लाखों रुपए जीत सकते हैं। 85+ ब्रांचों पर ऑपरेट होता है, 24/7 का आपको विड्रॉल मिलेगा, रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नीचे दिए गए लिंक से अभी इन्हें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट करें। इसके बाद दोस्तों अगला जो सरप्राइजिंग नाम है वो है इयन मॉर्गन का। इसलिए क्योंकि यहां पर पिछले साल केकेआर की टीम इनकी कप्तानी में फाइनल तक जो है वो पहुंची थी, लेकिन इस साल किसी भी टीम ने इन्हें बेस प्राइस पर भी जो है वो नहीं खरीदा है। इसका रीजन दोस्तों हम समझ सकते हैं कि इनका एज अ बैट्समैन उतना अच्छा परफॉर्मेंस पिछले साल भी नजर नहीं आया था, और यही वजह रही कि किसी भी टीम ने इन्हें जो है वो बाय नहीं किया। और आखिरी प्लेयर भी दोस्तों कुछ इसी तरह का है, जो कि है एरन फिंच। एज अ कैप्टन अगर बात करें तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने वर्ल्ड कप जो है वो जिताया है, लेकिन एज अ बैट्समैन इतने अच्छे वो फॉर्म में नजर नहीं आए थे। पिछले साल भी अनसोल्ड गए थे, इस साल लग रहा था कि दो नई टीमें आई हैं तो एरन फिंच बिक सकते हैं, लेकिन इस साल भी किसी भी टीम ने एरन फिंच को जो है वो बाय नहीं किया है। तो ये है वो पांच सरप्राइजिंग नेम जो कि मेगा ऑक्शन में गए हैं अनसोल्ड। इनमें से आप कौन से खिलाड़ी के अनसोल्ड होने से सबसे ज्यादा सरप्राइज हैं, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।